बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेज हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने रमजान उल मुबारक की आमद के सिलसिले में जो तैयारी कर रहे हैं उस सिलसिले में मैंने दही बड़े बनाने का प्रोग्राम बनाया है। कुछ मैं इसको फ्रीज करूँगी बड़े बनाकर और कुछ अभी बनाकर आपको दिखाऊंगी। और उसके लिए जो प्रिपरेशन होनी है वो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें सबसे पहले तो मैंने दाल चना ली है। दाल चने के बनेंगे। ये चने की दाल जो है मैंने भिगो रखी है। ये इसका पानी ड्रेन करके इसको चॉपर में चॉप करेंगे और अच्छे तरीके से इसको ग्राइंडर में पीसना है। और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेगा और 1 टीस्पून नमक डालेगा पीसते वक्त। ये दो चीज़ें डलेंगी। ये तो बड़े बनाने का सामान हो गया। इसके बाद हम इसके लिए दही बड़ा मसाला तैयार करेंगे। दही बड़ा मसाला तैयार करने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें सबसे पहले तो मैंने सफेद जीरा पिसा हुआ, अजवाइन ये 1-1 टेबलस्पून लिए लिए, 1 टेबलस्पून काला नमक, 2 टेबलस्पून सफेद जीरा पिसा हुआ साबुत और ये मैंने खटाई पाउडर भी इसे कहते हैं और इसको टार्टरिक एसिड भी कहते हैं। ये टार्टरी लेमन, असल में लेमन का रस होता है। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने ये सूखा धनिया साबुत लिया है। काली मिर्च 1 टीस्पून ली है साबर और लौंग मैंने लिया 1/2 टीस्पून। दूसरा नमक मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ये मैंने ये सूखी हुई अदरक होती है इसको सूंड भी कहते हैं, ये सूंड है, ये तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून ली है। चिली फ्लेक्स मैंने 1.5 टेबलस्पून लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पीसी हुई ली है और 2 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी ली है। ये सारी चीज़ें डालकर ये तैयार होगा मसाला, दही बड़ा मसाला। और इसके मैंने 2 केजी दही लिया है, ये 2 किलो दही है। और शुरू करते हैं सबसे पहले मसाला बनाना, क्योंकि दाल जो है वो बाद में पीसेंगे, पहले मसाला बना लेते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ इस्तेमाल होगी, इमली की मीठी चटनी। इमली की मीठी चटनी मैंने बनाने का पहले भी तरीके बताए हुए हैं आपको और आज एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी। वो चटनी जो है उसमें क्या क्या डलता है वो बताऊंगी और चटनी पूरी आपके सामने नहीं बना सकूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसको नेक्स्ट टाइम कभी मैंने दोबारा बताऊंगी रमजान से पहले पहले उसका तरीका कि उसमें किस तरीके से उसको पकाना है। और अभी तो मैं रेडी करके ही दिखाऊंगी और सिर्फ ये बताऊंगी इसमें क्या कुछ डला है। तो इंशाल्लाह आप शुरू करते हैं। ये मैंने एक मिक्सी जार लिया है जिसमें सबसे पहले तो मैं ये सूखा धनिया डालूंगी, सफेद जीरा, काला नमक, अजवाइन, ये 4 चीजें पहले पीस लेते हैं। ये पीस चुकी हैं और अब नेक्स्ट अगली चीजें पीसते हैं। अब मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी, लौंग डालूंगी, लेमन पाउडर यानी टार्टरिक एसिड है, ये डाल दिया मैंने। ये 1 टीस्पून मैंने दूसरा नमक लिया है आम जो इस्तेमाल होता है और लाल मिर्च डालेंगे इसमें। और एक चीज जो रह गई थी ये है सूंड, ये डालेंगे। अब ये इनको पीसते हैं। एक चीज मैं आपको बताना याद नहीं रहा, ये आमचूर पाउडर है 1 टेबलस्पून, ये भी डालेगा। ये सारा मसाला हमारा पीस चुका है और अब हम इसमें चिली फ्लेक्स पीसते हैं। हल्का सा इसको मशीन को थोड़ा सा चलाना है। चिली फ्लेक्स को थोड़ा सा पीसा है मैंने। ये सारे मसाले जो हमने पीसे हैं इन सबको अच्छी तरीके से आपस में मिक्स करेंगे और इसमें जो मैंने शुगर पीसी भी ली थी उसको भी शामिल कर लेते हैं और इनमें मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। अब इसको आप स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से बना के।
रमजान के लिए आप बड़े पैमाने पे बना सकते हैं, क्योंकि ये डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और इसकी ज़रूरत हर वक्त पड़ती रहती है। तो बाजार का बहुत थोड़ा सा आता है, डिब्बे में बहुत थोड़ा निकलता है, एक या दो बार में इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था, ये 2 घंटे भीगी हुई दाल है, इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है और अब इसको मैं चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से पीसने लगी हूँ। आप इसको जूसर जग में पीस सकते हैं, मैं इसको ग्राइंडर में पीस रही हूँ, चॉपर में पीस रही हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डलेगा, ज़्यादा पानी मिक्स नहीं करना, बस इतना पानी डले कि ये बस आसानी से पिस जाए। अब इसमें मैं जो नमक लिया था 1 टीस्पून वो डालूंगी, और जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लिया था मैंने वो डाल दूंगी। ये दोनों चीजें डालकर हम इसको पीस लेंगे। ये मैंने जो पीसा है इसका, यानी ये इसका टेक्सचर रखना है और अब बारी बारी 2-3 दफा करके मुझे पीसना पड़ेगा, दाल ज्यादा है तो मैं अभी पीस रही हूँ और मजीद पीस कर आपको दिखाती हूँ। ये दाल का हमने बैटर तैयार कर लिया है और ये सारा पीस चुका है और ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है, यानी बहुत ज्यादा रनिंग नहीं करना इसको, बल्कि इस तरह का जरा थोड़ा सा थिक वाला बनाना है, बहुत थिक भी ना हो और पानी इतना डालना है, मैंने 500 ml डाला है इसमें पानी पीसते वक्त, 1 kg था ये। और अब इसको शुरू करते हैं, मैंने क्योंकि ऑयल गर्म कर लिया है और अब इसको शुरू करते हैं बनाना। एक बड़े चम्मच पर इस तरीके से इसको लेना है और छोटे चम्मच की मदद से इसे उठाना है और फिर बैटर में डाल देना है, मुनासिब से इसकी पीस बनाने हैं बड़े के, बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। और ऑयल जो है बिल्कुल स्लो रखना है, उसकी आंच चूल्हे की बहुत तेज आंच पे नहीं बनाना, क्योंकि ये कच्चे चने की दाल का बना है तो इसको अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए, इतना यानी इसको पकाना है स्लो आंच पे ताकि कुक भी हो जाए और जले भी नहीं। एक साइड थोड़ी पक जाए तब दूसरी साइड पलटनी है, फौरन पलटने नहीं लगना, क्योंकि बिल्कुल कच्चा जब बैटर होता है तो फौरन इसके साथ स्ट्रेनर है इसके साथ चिपक जाता है अगर ज़्यादा, यानी आप कच्चा जो है ना पलट देंगे और दूसरा फिर वो टूट फूट का शिकार हो जाते ही है। और जैसे ही आप ये तैयार हो जाए, मैंने हल्की आँच रखी हुई है, बहुत हल्की आँच पर अच्छे तरीके से पक जाए और साथ ही बाउल पानी का रखना है जिसमें इनको फौरन डाल देना है। अब हम इनको निकाल कर इतने गोल्डन करने हैं कि इससे ज़्यादा नहीं करने, और अब पानी में मैं डाल देती हूँ। अब मैंने और डाल दिए हैं, ये पहले निकल गए, अब स्लो आंच पे ही पकाना है इस तरीके से के बिल्कुल यानी अंदर तक पक जाएंगे अच्छे तरीके से। आंच बहुत स्लो रखनी है, मीडियम भी नहीं रखनी, स्लो रखनी है।
ये दूसरी बार जो मैंने डाले थे वो भी तैयार हो गए हैं। अब इनको भी पानी में डाल देते हैं इस तरीके से, ताकि ये भी पानी जज कर लें, और साथ साथ पहले वाले निकालते जाने हैं पानी से, निकाल कर निचोड़ निचोड़ कर रखते जाना है। अब और मज़ीद डालते हैं जो बाकी रह गए हैं भरे, जो मैंने पानी में डाले हैं। इनको बड़ी एहतियात से, बड़ी नरमी से ऐसे हाथ की हथेली के अंदर रखकर इनका पानी निचोड़ना है। बहुत पानी है इनके अंदर, और पानी निचोड़ निचोड़ कर इनको लैदा रखते जाना है। देखिए कितना पानी इन्होंने पी लिया। अगर इनको इस तरह पानी में नहीं डालेंगे तो सारा दही पी जाएंगे, और दही बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, इसलिए इनको पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। पानी में से निकाल कर सारे निचोड़ कर मैंने दही बड़े इसमें डाल दिए बाउल में, और अब इसके ऊपर मैं दही डालूंगी, और दही डालकर इसके ऊपर फिर मज़ीद जो चीज़ें डालनी हैं वो आपको दिखाती हूँ। मैंने जो दही बड़ा मसाला तैयार किया था वो ऊपर इस पे डाल देंगे। अब भी तैयार की है, और इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपको दोबारा बनवाऊंगी, आपसे आपको दिखाऊंगी दोबारा बनाकर। और ये क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता, बहुत लंबी हो जाती वीडियो, तो ये मैं चटनी ऊपर से डाल रही हूँ। ये होममेड चटनी है, आज ही मैंने अभी ताज़ी बनाई है, और इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बननी है। रमज़ान के लिए मैं बनाऊंगी तो आपको दोबारा दिखाऊंगी। तो इस तरीके से ये चटनी ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, और इंशाल्लाह इस तरीके से आप भी बनाएं, और हमें दुआओं में याद रखें। हमें नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए। रमज़ान मुबारक में मज़े मज़े की दही भड़े बनाएँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएँ, और उस वक्त हमें भी याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।